आपने अपनी GTA 5 में कितने मॉड्स इंस्टॉल कर रखे होंगे? 2, 5, 10, 20? अरे आज मैं पूरे 50 मॉड्स इंस्टॉल करने वाला हूँ अपनी GTA 5 में, एंड फिर देखते हैं कि ये क्या ही गेम बन जाता है। एंड हम लोग देखेंगे कि एंड में क्या हमारी गेम GTA 6 को टक्कर दे पाएगी। मतलब हाँ, ऑब्वियसली GTA 6 आई नहीं है तो इसलिए हमें पता भी नहीं वो कैसी होगी, लेकिन हमारे मन में जो एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या वो इस 50 मॉड्स वाली GTA 5 से पूरी हो पाएगी? एंड अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं वीडियो को स्किप करके बस एंड वाला देख लेता हूँ, तो भाई बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला, क्योंकि यार किसी चीज़ को बनते हुए देखने का जो मज़ा है ना, वो बिल्कुल मिस कर जाओगे आप। इसलिए पूरी ऑर्डर में देखना वीडियो। एंड मैं जो भी मॉड्स यूज करने वाला हूँ सबकी प्रॉपर लिस्ट विद लिंक्स मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर देना ऐसी अमेजिंग गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। कोई भी मॉड इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको एक बार ओरिजिनल GTA दिखा देता हूँ कि वो कैसी लग रही है। इसमें कोई भी मॉड नहीं है, बिल्कुल बेस ग्राफिक्स है एंड सब कुछ ओरिजिनल ही है। तीनों प्रोटैगनिस्ट के नजरिए से देख लो एक बार। एंड अब शुरू करते हैं मॉडिंग। सबसे पहले मैंने बेसिक मॉड्स इंस्टॉल करे जिनके बिना मॉडिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मॉड्स हैं scriptukv.net, OpenIV और native UI। इन मॉड्स से ही हम आगे चल के काफी सारे मॉड्स इंस्टॉल करने वाले हैं। नेक्स्ट मैंने डाला है मेन्यू PC, जो कि ट्रेनर मॉड है एंड इसमें दुनिया भर के ऑप्शंस हैं। अगर मनपसंद व्हीकल चाहिए या गन चाहिए या अपनी हेल्थ को इन्फिनाइट करना है, बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब पूरी वीडियो निकल जाएगी अगर मैंने इस पे बोलना शुरू किया तो। इसलिए मैं बस इसमें इन्फिनाइट हेल्थ को ऑन करने वाला हूँ, ऑल गन्स को ऑन कर लेता हूँ। उसके अलावा मैं वेदर को एक्स्ट्रा सनी करके टाइम को 10 AM पे पॉज कर देता हूँ, ताकि हमें बेस्ट ग्राफिक्स देखने को मिले आगे चल के। उसके बाद मैंने इंस्टॉल किया वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिक्स मॉड, जो कि है नेचुरल विजन इवॉल्व्ड। ये एक पेड मॉड है, वैसे इसका फ्री वर्जन भी आता है नेचुरल विजन रिमास्टर्ड के नाम से, लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा था तो मैंने सोचा कि यार बेस्ट वाला ही खरीद लेता हूँ। एंड आप देख सकते हो कि ग्राफिक्स कितने ज्यादा बदल गए हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो रियल लॉस एंजलिस में गेम खेल रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ की लाइटिंग भी थोड़ी थोड़ी ऐसी होती है। बिल्डिंग्स का टेक्सचर देखो कितना अच्छा लग रहा है, बाकी प्लेयर्स एंड कार्स के कलर्स देखो कितने ओपी लग रहे हैं, रिफ्लेक्शंस भी कितने ज्यादा अच्छे हो गए हैं। वैसे ये मत सोचना कि हम आगे चल के ग्राफिक्स को और इम्प्रूव नहीं करने वाले, क्योंकि तो बहुत कुछ करना है, इसलिए बस बने रहो। अब मैंने स्टार्ट करे हैं मैंशंस एंड हाउसेज, जिनके लिए मैप एडिटर, मैप बिल्डर और वाई मैप कन्वर्टर मॉड इंस्टॉल करने पड़े, इनके बिना मैंशंस चलते नहीं। और अब गैलीलियो मैंशन इंस्टॉल कर लिया मैंने माइकल के लिए, जो कि बहुत ही पॉपुलर मैंशन है एंड ये बहुत ही लग्जरी भी है देखने में, काफी मस्त लग रहा है। फिर मैंने फ्रैंकलिन के हाउस को पूरा रेनोवेट कर दिया है एंड अब यहाँ 24 घंटे पार्टी चलती रहती है, फुल टाइम सिक्योरिटी है, घर को और बड़ा करवा लिया है, टेरेस पे भी बहुत सारे इंतजाम है, मतलब काफी ज्यादा एपिक लग रहा है अब ये हाउस देखने में। ट्रेवर के लिए मैंने हाई फील्ड मैंशन डाल दिया है, जहाँ बहुत अमेजिंग कार्स हैं, हेलीकॉप्टर्स एंड प्लेन्स भी हैं, बहुत ज्यादा बड़ा है ये मेंशन एंड काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा मैंने 3 और मेंशंस डाल दिए, जैसे कि मालिबू मेंशन, जिससे वाई सिटी की फील आती है। उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट हॉलीवुड मेंशन डाल दिया, जो कि डेविन के घर को एक्सटेंड करके बनाया गया है एंड वहां पे भी हॉलीवुड की पार्टीज ही चलती रहती है। गवर्नर्स मेंशन मैंने इसलिए डाला क्योंकि बहुत ही बड़ा है, इसमें काफी सारी कार्स भी एंड ये एपिक लगता है देखने में। अब मैंने इंस्टॉल किया GTA 5 की सेफ फाइल्स, क्योंकि 100% कंप्लीट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है गेम को, बहुत छोटी छोटी चीजें करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। एंड ऐसे में अगर आपके पास 100% कंप्लीशन वाली सेव फाइल्स हो तो आपके पास पैसा भी बहुत आ जाता है, उसके अलावा आपकी सारी अचीवमेंट्स भी अनलॉक हो जाती है। उसके बाद GTA 5 का मैप बहुत पुराना सा लगता है देखने में, तो इसकी जगह मैंने इंस्टॉल किया 4K सैटेलाइट व्यू मैप। इससे सैटेलाइट व्यू में जैसी बिल्डिंग्स दिखती है ना, बिल्कुल वैसी ही दिखा करेंगी, जिसमें आपको शेडो इफेक्ट एंड कलर्स भी सब दिख रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। इसके ऊपर से रिवील मैप और डाल दिया, क्योंकि GTA 5 का पूरा मैप रिवील्ड नहीं होता एंड इससे प्रॉब्लम्स काफी आती है। फिर मैंने इसमें डाला रियलिस्टिक ड्राइविंग व्यू, जो कि GTA 5 की ड्राइविंग को बिल्कुल रियलिस्टिक बना देगा। अब आप पूछोगे कि भाई GTA 5 की ड्राइविंग रियलिस्टिक नहीं है क्या? हाँ भाई नहीं है, GTA 4 की थी बट वो कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक थी एंड इसलिए बहुत मुश्किल भी थी। ये वाला जो मॉड है ये GTA 4 के लेवल तक तो नहीं जाता, लेकिन उसे थोड़ा सा चेंज कर देगा ड्राइविंग को एंड इससे क्या होगी, वो थोड़ी ज्यादा रियलिस्टिक हो जाएगी। उससे आपके हाई स्पीड में जो टर्न्स है वो थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे लेने एंड एकदम से ब्रेक दबाने पे ये नहीं कि एकदम से रुक जाएगी गाड़ी। अब इसके बाद मुझे बहुत सारे कार पैक्स भी डालने थे, क्योंकि यार एक एक करके कार डालूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने एक साथ पूरे पूरे कार पैक्स ही डाउनलोड करने हैं। लेकिन इसके लिए मुझे हीप एडजस्टर, पैक लाइफ लिमिट एडजस्टर, सारे सेटिंग लिमिट एडजस्टर डालना पड़ा एंड उसके बाद मैंने इंस्टॉल किया वनीला वर्क्स एक्सटेंडेड पैक। इसमें अराउंड 300 व्हीकल्स हैं, जिसमें से आप कोई भी इजीली स्पॉन कर सकते हो मेन्यू PC की मदद से, जो मैंने स्टार्टिंग में डाउनलोड करवाया था। इसमें सुपर कार्स, कस्टम कार्स, ऑफ रोड कार्स के अलावा इसमें हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स, बाइक्स सब मिल जाएंगी आपको। फिर मैंने सोचा कि यार एक और कार पैक इंस्टॉल करूंगा जिसमें सुपर कार्स ज्यादा हो। इसको इंस्टॉल करने के लिए मुझे पहले 650 MB वाला हीप एडजस्टर और गेम कॉन्फिग भी डालना पड़ा, लेकिन मेहनत सफल हुई क्योंकि ये जो मॉड
मॉड है GTA 5 कौन कार पैक। इसमें बहुत औसम कार्स हैं, ज्यादातर वो कार्स हैं जो रियल लाइफ में भी मिलती हैं, एंड उसके साथ साथ बहुत सारी सुपर कार्स भी हैं, तो देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगती है। पिछले वाले व्हीकल पैक में ना क्वांटिटी ज्यादा थी, लेकिन इस वाले में क्वालिटी ज्यादा है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 48 कार्स मिल रही है, लेकिन बढ़िया वाली मिल रही है। तो अब आप देख ही सकते हो कि 50 में से हम लगभग आधे मॉड्स इंस्टॉल कर चुके हैं, एंड हमारा गेम कितना ज्यादा डिफरेंट हो गया है। हमारे पास बढ़िया मैंशंस हैं, औसम कार्स आ गई हैं, एंड ग्राफिक्स भी बदल गए हैं। अब सोचो कि पूरे 50 मॉड्स इंस्टॉल करने के बाद हमारी GTA कैसी लगने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो यार। आज का टारगेट 50,000 लाइक्स का है, मैंने इतना कभी नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि होगा भी या नहीं, पर 50 मॉड्स इंस्टॉल करें तो यार 50,000 लाइक्स तो बनते ही है। फिर भाई मैं इस लोडिंग स्क्रीन की गल से परेशान हो गया था, क्योंकि रूम में भी कोई ना कोई तभी आता था जब ये लोडिंग स्क्रीन चल रही हो, इसलिए मैंने इसे चेंज कर दिया मॉड्स से, एंड अब सारा झंझट ही खत्म। फिर अपने गेम को और रियलिस्टिक बनाते हैं इंसियन रेन की मदद से, एंड ये तो कमाल का मॉड है, मतलब ये रेन को बहुत ज्यादा रियलिस्टिक बना देता है, जिससे बहुत सुंदर लगता है गेम। खासकर नेचुरल विजन इवॉल्व एंड इंसियन रेन का जो कॉम्बिनेशन था ना, वो तो रात को देखने वाला था। एंड मुझे यहाँ का वाटर भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए 2K वाटर मॉड की मदद से मैंने उसे और रियलिस्टिक बना दिया है, एंड ये देखो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। कलर देखो कितना बढ़िया निकल के आ रहा है, पहले तो डल डल सा लगता था। मुझे गेम को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाना था, लेकिन उसके लिए पहले लुआ प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ा, एंड उसके बाद मैंने डाला फ्यूल स्क्रिप्ट वी। इससे आपकी कार में सही में पेट्रोल खत्म होगा, एंड आप पेट्रोल स्टेशन पे भरवा सकते हो, नहीं तो जेरी कैन से भी भर सकते हो। फ्यूल का स्टेटस आपको मिनी मैप के ऊपर मिल जाएगा। अब थोड़ा मिशन वगैरह भी डालना शुरू करते हैं, जैसे कि ट्रकर मिशन, जिससे हम कार्गो वगैरह डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन इसमें डैमेज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब गैंग तो मिशन डालने थे मेरे को, लेकिन उसके लिए मेरे को बिल्ड अ मिशन मॉड और ओपन ऑल इंटीरियर्स मॉड इंस्टॉल करने पड़े। वैसे ओपन ऑल इंटीरियर्स काफी काम का मॉड है, क्योंकि इससे आप सारे ब्लॉक्ड एंड हिडन इंटीरियर्स को एक्सेस कर सकते हो। अब फ्लीका बैंक हाइस्ट मॉड से आप टाइम पास करने के लिए बैंक्स वगैरह लूट सकते हो, काफी सिंपल है। एक्सप्लोसिव लाओ या हैक पैक करो, कैमरा उड़ाओ, वॉल्ट तोड़ो, पैसे निकाल कर ले जाओ। हाँ ऑब्वियसली पुलिस तो आएगी। फिर GTA San Andreas जैसी गैंग फाइट्स करने के लिए ना मैंने गैंग एंड टर्फ मॉड डाला। इसमें आप अपनी गैंग्स बना सकते हो, नई टेरिटरीज को कैप्चर कर सकते हो, या इवन एनिमी की टेरिटरीज पर भी अटैक कर सकते हो, काफी ज्यादा मजा आता है। फिर भाई GTA गैंग का क्या ही मतलब हाइस्ट के बिना, तो मैंने स्टोरी मोड हाइस्ट डाल दिया, जिसे ट्रेवर, फ्रैंकलिन, माइकल और लेस्टर साथ में मिलकर काफी सारी नई हाइस्ट कर पाएंगे, एंड ये काफी मस्त मस्त भी हैं। और भाई हमारा एक हाइस्ट से थोड़ी ना मन भरने वाला है, तो मैंने और इंस्टॉल किए हैं, एंड इसके लिए मैंने डाला था पेड है, जिसमें बहुत सारी हाइस्ट हैं, एंड इवन ऑनलाइन की भी हाइस्ट है जो कि हम सिंगल प्लेयर में खेल पाएंगे। मुझे ना गेम को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाना था, तो सोचो कि कुछ और रियल वर्ल्ड चीजें डालते हैं। सबसे पहले मैंने फन के लिए ऐसे स्टैचूज डाल दिए, जिसमें काफी सारे सुपर हीरोज लाइक कैप्टन अमेरिका, ऑप्टिमस प्राइम, आयरन मैन को मैं गेम के अंदर ले आया, काफी बढ़िया लग रहे हैं देखने में। तो उसके बाद मैंने डाला एले वेजिटेशन, जिससे फॉरेस्ट की साइड जितने भी ट्रीज एंड ग्रासेस हैं वो सब और भी ज्यादा बेटर हो जाते हैं देखने में। एले रियल बिलबोर्ड से मैं गेम के अंदर वो रियल एडवर्टीजमेंट्स ले आया, जो कि लॉस एंजलिस में होते होंगे, लाइक COD गेम का एड, स्टार वॉर्स का एड, नेटफ्लिक्स मूवी का एड, ये सब रियल वर्ल्ड में होते होंगे, एंड इनको मैं गेम में ले आया, काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। एंड मैंने लगे हाथों एले रोड्स भी इंस्टॉल कर ही लिया, जिससे रोड्स की जो मार्किंग्स होती है ना वो सब भी रियल लाइफ जैसी हो जाती है। एंड अब भाई मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड डाला है, जो कि है एनहांस्ड ट्रेन ड्राइवर। इससे आप ट्रेन को ड्राइव कर सकते हो GTA 5 के अंदर। ये फीचर वैसे तो रॉकस्टार को खुद देना चाहिए था, लेकिन हमने मॉड से ही डाल लिया। अभी भी ना मेरे को ग्राफिक्स में थोड़ा मजा नहीं आ रहा, तो मैंने वेदर सेटिंग्स को एक्स्ट्रा सनी से ओवरकास्ट पे चेंज कर दिए, जिससे काफी बढ़िया लगने लगा है गेम। एंड मैंने दो और मॉड इंस्टॉल करे हैं, टी शेड एंड RTX मॉड, एंड अब ग्राफिक्स और भी ज्यादा बेटर लग रहे हैं, एंड आपको शायद इसके कलर भी ज्यादा अच्छे लग रहे होंगे। अब बारी थी मैप मॉड्स की। सबसे पहले तो मैं नॉर्थ यांगटन को ले आया, जो कि GTA 5 में बस कुछ ही मिशंस में आता है, लेकिन अब हम बस एयरपोर्ट के थ्रू ही नॉर्थ यांगटन जा सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा सिंपल है। फिर GTA 5 के मैप में ना काफी सारे बग्स भी हैं, तो उनको फिक्स करने के लिए मैंने डाला मैप फिक्सेस। इस मॉड की मदद से मैप के जो काफी सारे ग्लिचेस है वो कम हो जाएंगे। और अब इंस्टॉल करते हैं कायो पेरिको एंड उसका एक्सपेंशन को, लेकिन उसके लिए ना मुझे पहले नो बाउंड्री लिमिट्स इंस्टॉल करना पड़ा, और फिर मैंने डाला कायो पेरिको आइलैंड, जो कि GTA ऑनलाइन में आया था, काफी अच्छा आइलैंड है। एंड आप सोच रहे हो कि यार वाई सिटी या लिबर्टी सिटी क्यों नहीं डाला, यार वो इसलिए कि रॉकस्टार गेम्स ने वो मॉड्स हटवा दिए हैं, एंड मैंने आपको ये बताया ही होगा अपनी गेमिंग न्यूज़ में। लेकिन कोई नहीं यार, कायो पेरिको भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, एंड इसके हम एक एक्सपेंशन भी डाउनलोड करने वाले हैं, जो कि एक कायो पेरिको आइलैंड, जिसमें मेरी वेदर, हॉस्टल, सिक्योरिटी एंड काफ़ी कुछ नया डाल दिया गया। एंड भाई अब लग रहा है ये एक कम्प्लीट गेम, हमने नॉर्मल GTA 5 की नजर कितनी चीज़ें चेंज कर दी हैं, कार्स भी नहीं है, घर भी चेंज कर दिए, ग्राफिक्स भी, इन्वायरमेंट भी, कुछ मैप भी डाल दिया, मिशंस भी आ गए और गेम प्ले भी सुधार दिया है। आप बताओ कि ये कैसी लग रही है, और अगर अच्छी लग रही तो भाई लाइक कर देना। 50 मॉड्स इंस्टॉल करें तो 50,000 लाइक्स तो बनते ही हैं, अगर हो गए तो 100 मॉड्स भी इंस्टॉल करूंगा। बस जाते जाते चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।